हेलो ट्रेडर, एक और नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो ट्रेडर, इस वीडियो के थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, 2023 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है फॉर ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 2024 आने वाला है तो 2023 को आप भूल जाइए। मेरे अनुसार से ये बिल्कुल गलत है। 2024 आ रहा है, ये अच्छा बात है। आपको नए साल में नए उमंग जोश के साथ काम करना है और सफल भी आपको होना है। तो 2023 को आप क्यों भूल जाइए, मेरे अनुसार से क्यों भूल जाइए। अगर आप 2023 को भूल जाते हैं तो 2024 भी आपका वैसा ही जाएगा जिस तरह से आपका 2023 गया है। तो आपको मैं निगेटिव या फिर डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस जो एक्चुअल में वास्तव में होता है मैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2023 को आपको भूलना नहीं है। 2023 में आप क्या गलतियाँ किए हैं, क्या मिस्टेक हुआ है, वे सभी बात को आपको समझना होगा। आपको उसको नोट कर लेना है और 2024 में जब आप अपना काम शुरू करेंगे, आप कोई भी काम करते हो, ये सभी के लिए ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो 2024 में आप जो भी काम करने जाएं, तो 2023 में जो आप मिस्टेक किए हैं, आप उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करें तो आप 2024 में सफल हो जाएंगे। देखिए, अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आप नया कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। तो गलती करना लाजमी है, गलती हर एक व्यक्ति से होता है, लेकिन वह व्यक्ति सफल हो जाता है जो गलती करता है और वह व्यक्ति सफल नहीं होता है जो गलती नहीं करता है। तो गलती करते हैं तो आप देखिए सफल की ओर, सफलता की आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, जो आप गलती कर रहे हैं वह गलती अब आप फिर से उसी गलती को, जो मिस्टेक है, दोबारा आप उसको रिपीट नहीं करें तो आप सक्सेस हो पाएंगे। तो यह वीडियो आपका पूरा 1 ईयर बचाने वाला है, यानी कि 1 साल का समय जो है आपको बचा देगा। नॉलेजफुल ये इतना अधिक वीडियो है मैं बता नहीं सकता। अगर आप वास्तव में मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं, आपका कोई भी ड्रीम है उसे अचीव करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना ही होगा। यह वीडियो कितना लंबा हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए, जब 2024 एंड होगा, जब आप 2025 की ओर जाएंगे, तो आप सफल की राह पर निकल पड़े हैं, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो आपको इसी वीडियो पे कमेंट करना है कि मैंने जो बात बताई वो आपके लिए कितने फायदेमंद होगा। 2024 जब खत्म होगा, 2025 में जब जाइएगा तब। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल इस वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो यह वीडियो आपके लिए अधिक फायदेमंद है। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर दिए हैं तो भी आपके लिए यह काफी फायदेमंद है। मैं जो मिस्टेक किया हूं, चलिए मैं उसे बताना अब शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है, ये सभी लोग करते हैं, ये मैंने भी किया हूँ। मैं ट्रेडिंग बहुत पहले शुरू किया हूँ, तो मैं 1 साल का और इसके पिछले साल का मिस्टेक बताता हूँ। तो सबसे पहला मिस्टेक जो मेरा था, वह था विथआउट नॉलेज ट्रेडिंग, यानी कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रेडिंग होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। बस जो है, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपना PNL जो है यूट्यूब पर शो करते हैं, उसको देखकर मैं आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी इस बिना नॉलेज के आए हैं तो मेरा बात ध्यान से सुनिए, आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। आप जितना पैसे लाए हैं, आप मार्केट को पूरा पैसे वह देकर ही जाएंगे। हो सकता है कि 1 से 2 दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपको ओवरऑल आप लॉस में ही जाएंगे। तो अगर आप विथआउट नॉलेज आए हैं तो पहले सीखिए। सीखना कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो अच्छा है, नहीं डीमेट अकाउंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे ही रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करें, आप डायरेक्ट भी प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लर्निंग करना है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे,
आप मेरे भी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो सिंपल नहीं, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको इसमें मैं काफी सारे सीरीज यहाँ पे वीडियो मैं बनाऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर मार्केट सीखने के लिए वीडियो। यह वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है इस वीडियो में। उसके बाद से यदि ग्रो में आपका डीमैट अकाउंट है तो ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसके बारे में डिटेल बताया हूं, और यहां पे उसके बाद से ट्रेडिंग आपको कैसे करना है उसका मैं यहां पर प्लेलिस्ट उसका भी बनाया है कोर्स। और लर्निंग के लिए जो भी टेक्निकल एनालाइज जब जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल एनालाइज करने के लिए ट्रेडिंग टूल होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये किनारे में यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसके जस्ट चार्ट लोड लेता है उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग टूल होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इन सभी टूल को सीखेंगे नहीं। यानी देखिए, आपके पास जो है एक वेपन होना चाहिए, आपके पास जो हथियार रहेगा तो ही तो आप काम करेंगे। तो ये टेक्निकल एनालाइज करने के लिए ये वीपन है यानी हथियार है, तो आपको इसको सीखना होगा। तो सीखना काफी सिंपल है, बिल्कुल फ्री में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चैनल पे आप आएंगे तो इजीली आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट ग्रो में ट्रेडिंग टूल बेसिक फॉर बिगनर्स, आपको इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग टूल है आप इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो 2024 में शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है। आप जितना अधिक हो सके उतना अधिक आप नॉलेज गेन करें। मेरे चैनल पर भी आपको काफी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। पहले के टाइम में देखिए, जब मैं शुरू किया था तो यूट्यूब पर उतने कंटेंट अवेलेबल नहीं थे जिससे मैं समझ सकूं, तो मुझे काफी सारे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए वे सभी वीडियोस मैं बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो नहीं है तो सिंपल ही आपको कमेंट करना है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं आपके लिए एफर्ट करता हूं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो पहला मिस्टेक आप ये समझ गए कि विथाउट नॉलेज आपको एंट्री नहीं करना है मार्केट में, दूसरे को देखकर तो कभी एंट्री करना ही नहीं है। उसके बाद से दूसरा जो लोग मिस्टेक करते हैं वे करते हैं क्या है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना है इन्वेस्टिंग करना है तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वे क्या करते हैं पैसे लोन पे कहीं लेकर आते हैं लोन पे। तो ये गलती जो है आपको कभी भी नहीं करना है, ये जो गलती है आपको कभी इसको करना ही नहीं है। आपको ट्रेडिंग हो इन्वेस्टिंग है ये काफी रिस्की चीज है, तो इसमें आप जो भी पैसे लाएं वे पैसे जो है वे आपका खुद का होना चाहिए, वे पैसे जो है आपका सेल्फ का होना चाहिए। तो ये दूसरा मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद से तीसरा जो मिस्टेक है, आपको डायरेक्ट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में कूद नहीं पड़ना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में डायरेक्ट आपको नहीं आना है, ये काफी रिस्की चीज है। इसमें पैसे जो है आपको सेकंड में बन जाते हैं, एक सेकंड दो सेकंड में आप जितना चाहे मार्केट से उतना पैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपका क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और आपका एंट्री भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैं ऑप्शन चेन यहाँ पे इंडेक्स ओपन किया हूँ तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए है। इसमें सिंपल ही आपको इतना तो ज्ञान होगा ही, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल को बाई करना है और मार्केट जो है नीचे जाएगा तो पुट को बाई करना है। तो आपको डायरेक्ट जो है इसमें नहीं आ जाना है, सीधे तौर पे इसमें आएंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो आपको लर्निंग करना है, लर्निंग करने के बाद से आपको डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा चीज है, इन्वेस्टमेंट जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। देखिए, शॉर्ट टर्म के यदि आप कोई भी प्लान करेंगे, कोई भी बिजनेस होगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं दे सकता है। कितना प्रॉफिट देगा, बिजनेस को स्टेबल होने में टाइम लगता है, प्रॉफिट जनरेट करने में भी टाइम लगता है। तो आपको पहले लॉन्ग टर्म देखना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको स्टॉक को बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, काफी सारे पॉइंट्स जो होंगे मार्केट में आपको समझ में वह आने लगेंगे। चार्ज कितना लगता है, जीएसटी क्या है, सेबी क्या है, मार्केट का एक्सचेंज क्या है, काफी कुछ आपको जानकारी होने लगेगा जब आप सिंपल इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इसमें आपको अधिक समय देना है, जैसे एक साल से अधिक समय देते हैं तो काफी बेहतर है। आप पैसे इसमें लगाएंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा, स्टॉक अच्छे स्टॉक चुनना कैसे है, ये सभी आप खुद से जब सीख जाएंगे तो समझिए कि आप काफी अच्छे हो गए हैं।
तो ये आपको करना है। ट्रेडिंग से पैसे तो बनते हैं लेकिन इससे वेल्थ को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। वेल्थ क्रिएट आपको करना है तो वे हो सकता है तो बिजनेस से हो सकता है। ट्रेडिंग जो है एक तरह का बिजनेस है लेकिन इससे वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। वेल्थ क्रिएट आपको करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको SIP पे भी ध्यान देना है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी म्यूचुअल फंड भी आपके लिए बेहतर है। तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको SIP पे भी ध्यान देना है। तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगा, काफ़ी समझ में आपको आएगा कि मार्केट जो है किस तरह से काम करता है। जब ये दोनों चीज आप कर लें यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट होता है, आपको ये मिस्टेक जो है आपको गलती नहीं करना है। वे तो रोड मैप हो गया कि आपको करना क्या है। तो तीसरा जो मिस्टेक है, आपको क्वांटिटी जो साइज है उसको इंक्रीज कभी नहीं करना है। क्वांटिटी साइज जो है आपको इंक्रीज नहीं करना है किसी में भी है। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी आपको छोटे छोटे क्वांटिटी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 2-3 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से जब आप उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब आपको जल्दी रेस में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, कब तक आप धीरे धीरे बढ़ेंगे? आपको जल्दी ग्रोथ भी करना है तो अब आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, अब आपको इंट्राडे करना है। इंट्राडे होता क्या है, आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं फुल वीडियो इस पर भी बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप लर्निंग फेज में रहेंगे, आप लर्निंग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंट्राडे होता क्या है। तो इंट्राडे का मतलब होता है मार्केट जब ओपन होता है यानी एक दिन के भीतर ही आपको स्टॉक को बाई करना है और स्टॉक को सेल भी कर देना है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होता है और स्टॉक में भी होता है। तो इसको आपको स्टॉक में ट्राई करना है, स्टॉक में ही इसको काम करना है। जब स्टॉक में करेंगे तो इसमें आपको बाय सेल समझ में आ जाएगा। बाय सेल तो आप इन्वेस्टिंग करके सीख ही गए हैं, उसमें आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, टिगर प्राइस ये सब आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद से आपको टेक्निकल एनालाइज की ओर बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन चेंज जो होता है ये अभी आप सीख चुके होंगे, ये सभी लर्निंग के फेज में आप सीख चुके होंगे। तो आपको इंट्राडे में शिफ्ट हो जाना है, तो इसमें आपको स्टॉक में ही करना है, आपको स्टॉक में ही करना है। जब स्टॉक में करेंगे तो आपके पास जो है सेटअप बन जाएगा, आपका कोई सेटअप हो जाएगा और आपको स्ट्रेटजी जो है बनाना पड़ेगा। ये सभी आपको बनाकर ही काम करना है। जब तक आपका सेटअप नहीं बने तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। तो तीसरा मिस्टेक तो क्वांटिटी साइज इंक्रीज नहीं करना है। चौथा मिस्टेक जो है, जब तक आपका कोई सेटअप है तो सेटअप अगर नहीं बनता है तो आपको ट्रेड में एंट्री बनाना ही नहीं है। ये चौथा मिस्टेक है, आपको नहीं करना है। और पांचवा जो मिस्टेक है वे है आपको इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करना है। इमोशन का मतलब होता है कि फर्स्ट ट्रेड आप लिए उसमें आपको लॉस हो गया तो अब आप ये इस जीत पे मत बैठ जाइए कि आज मार्केट से आपको पैसे लेकर ही जाना है। देखिए मार्केट जो है पैसे आपको देता भी है और आपसे पैसे लेता भी है, तो ये प्रोसेस जो है चलते रहता है। तो बस आप समझिए कि आज मार्केट जो है पैसे मुझे देने के मूड में नहीं है, मैं ही उसको खुशी खुशी पैसे दे देता हूँ, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मार्केट से पैसे लेने के लिए तुल जाएंगे तो मार्केट जो है आपका पूरा कैपिटल ही खत्म कर देगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इमोशन में आकर ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप जो भी ट्रेड लेते हैं, जो भी आप ट्रेड लिए हैं या फिर लेते हैं, तो उसका आपको क्या करना है, जर्नल बनाना है। जर्नल मतलब होता है आपको उसको एंट्री कॉपी में नोट करके रखे रहना है। कॉपी में आप उसको नोट करके रखेंगे, डेली का डेली आपको जर्नल बनाना है। आज जो ट्रेड किए हैं स्टॉक में, किसी में भी आप ये इन्वेस्टिंग भी किए हैं तो भी आपको जर्नल बनाना है। तो आप बनाएंगे तो उसमें आपको ये फायदेमंद होगा कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है आपको समझ में आ जाएगा, और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है वह भी आपको समझ में आ जाएगा। कितने चार्ज लगते हैं, GST कितना लगता है, सभी कुछ आप देख पाएंगे। आप सक्सेसफुल भी हो जाए तो भी आपको जर्नल बनाना नहीं छोड़ना है। जर्नल आप बनाएंगे तो आप उससे गलती जो करते हैं, मिस्टेक हुए, सीख जाते हैं। पहले मैं जर्नल नहीं बनाता था लेकिन जब से मैं जर्नल बनाना शुरू किया हूँ तो मुझे ये पता चल गया है कि मेरा जो लॉस होता है किस दिन बड़ा लॉस होता है, और प्रॉफिट होता है तो किस दिन होता है और क्यों होता है वह भी अब समझ में आने लगा है। तो जर्नल आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया।
तो ये मिस्टेक आपको, मैं जो गलती किया हूँ वे नहीं करना है। उसके बाद से और जो आप मिस्टेक करते होंगे या फिर करेंगे, आपको पैसे पे अपने ध्यान देना है कि आप मार्केट में अपना कैपिटल जो है कितना लगाया है, आप कितना कैपिटल लगाए हैं। मान लीजिए कि आप 10K कैपिटल लगाए हैं और एक मंथ के भीतर ही आप इन्वेस्टिंग किए हैं, ट्रेडिंग किए हैं, जो भी किए हैं, अगर इसका कैपिटल जो है अगर आप 10% भी जनरेट कर चुके हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आप बैंक में ये पैसा 10% यानी कि 1,000 रुपये जो है आप गेन कर चुके हैं अपने कैपिटल पर, तो काफ़ी ये अच्छा रिटर्न होगा। तो पैसे जो डबल होंगे, ये प्रोसेस जो है आपको पैसे डबल करने में 10 मंथ लग जाएंगे, यानी कि 10 महीने में आपका पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 10 है तो 10 मंथ में आपका 20,000 पैसे हो जाएंगे। तो ये छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा होगा, तो इसलिए आप पैसे जो है अधिक प्रॉफिट के चक्कर में क्या कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। यह भी एक तरह का मिस्टेक ही है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आप जितना अधिक ओवर ट्रेडिंग करेंगे, देखिए ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, ब्रोकरेज जो और जीएसटी जो होता है काफी बढ़ जाता है, प्रॉफिट जो भी हुआ रहता है वह लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा आप डिसाइड करें, आपको दिन में एक एक ही ट्रेड लेना है, अधिक से अधिक आप जो ट्रेड लेंगे वह 2 ट्रेड लेंगे। मैं जो हूँ पहले काफी अधिक ट्रेड मैं दिखाऊं तो एक दिन में 14-14 ट्रेड लेता था, 14 ट्रेड 15 ट्रेड लेता था, जिससे क्या होता था, प्रॉफिट तो होता था, प्रॉफिट होता था, लेकिन अधिक पैसे जो है ब्रोकरेज और जीएसटी में ही चला जाता था। अभी अभी भी मैं ट्रेड लेता हूं तो कोशिश करता हूं 1 से 2 ट्रेड लूं, लेकिन कभी कभी जो ये ट्रेड होता है वह 4 हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है, जो कि ये अच्छा आदत नहीं है, अच्छा हैबिट नहीं है। इसको मैं कम करने का प्रयास करूंगा और कम भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। 2 ट्रेड हाइएस्ट 2 ट्रेड लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो ये जो है ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद से जो लास्ट गेम होता है वह होता है साइकोलॉजी का। ये सभी जब आप ये जब सीख जाएंगे, इन सभी को सीखने में ही आपको काफी टाइम लगने वाले हैं। काफी टाइम करने का मतलब है आपको 2 साल तो इसी में लग जाएगा, इससे अधिक भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका IQ लेवल कितना है। इसके बाद से जो असली गेम आएगा वो आएगा साइकोलॉजी का। तो आपको भी पता होगा कि साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, सेटअप जो है ये सभी काम जो आते हैं वे 10% ही मान लीजिए काम आते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी का इसमें भूमिका जो होता है वह 90% होता है, 90% साइकोलॉजी का ही गेम है। तो पहले आपको इसको सुधारना होगा, पहले आप तो 10% पे ही काम कीजिए, जब तक आप इसको नहीं सुधार पाएंगे, ये 90% सुधरने वाला ही नहीं है। 90% जो सुधरेगा वह एक्सपीरियंस के बेस पे आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आ रहे हैं तुरंत प्रॉफिट बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, मार्केट समय मांगता है। आप जितना समय देंगे, लर्निंग करेंगे, आपको उतना ही मार्केट जो है प्रॉफिट देगा। अगर आपको लॉस हो गया है, लॉस अगर आपको हो गया है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि लोग जैसे लॉस, मान लीजिए कि आप छोटे ट्रेडर हैं, आपका 10K जो कैपिटल है वह पूरा वाइप आउट हो गया है, यानी पूरा खत्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, फोमो में आकर ट्रेडिंग नहीं करना है, तुरंत जो है आपको इसमें और कैपिटल जो है ऐड नहीं करना है। जैसे कि 20K 20,000 आप ऐड कर देते हैं, और पहले आप ट्रेड लिए थे एक क्वांटिटी से लिए थे, एक लॉट से लिए थे, आप ट्रेड जो एक ही क्वांटिटी एक एक लॉट से काम करते थे, लेकिन अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए सीधे ले लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में आएंगे तो 50 होता है, तो अब सीधे आप ले ले रहे हैं 200 ले ले रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में प्रीमियम कम रहता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, तो लिवरेज भी मिलता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। लॉस हो गया है तो सिंपल सा करना है, आपको क्लोज कर देना है टर्मिनल, और जो भी स्टेटमेंट होंगे आप जो भी ट्रेड किए हैं तो उसका स्टेटमेंट मिलता है, तो आपको उस स्टेटमेंट को आना है, बैठना है और उसको एनालाइज करना है, और क्लोज मार्केट में जो आपका सेटअप है, आप जो तैयार किए हैं उसको बैक टेस्ट करना है। करीब 1 से 2 मंथ या फिर कहूँ तो मैं 6 मंथ से आप सालों भर टेस्ट ही बैक टेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। जब बैक टेस्ट आपको हो जाता है, आपको लगता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, उसको कॉपी में नोट कर लिए, उस मिस्टेक को आपको नहीं करना है, तो आपको लाइव मार्केट में आना है, लाइव मार्केट में आना है। अब भी यहाँ पर आपको रियल मनी लेकर नहीं आना है, रियल जो मनी होता है आपको रियल मनी लेकर नहीं आना है।
आपको जितना आप रियल मनी लेकर आना चाहते हैं यानी कि टीन के लाना चाहते हैं तो उतना अमाउंट जो है आप वर्चुअल मनी पे शिफ्ट हो जाएं। आज बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो वर्चुअल मनी देते हैं, उससे आप ट्रेडिंग अपना बेहतर बना सकते हैं। मैं भी इसे किया हूँ, जैसे कि मैं 10 की कैपिटल से 20 डेज ट्रेडिंग चैलेंज मैं चलाया, तो इसमें पैसे पैसे जो मेरे थे, अब मान लीजिए कि मैं ओरिजिनल पैसे लाता, अगर इस ये जो चैलेंज है वर्चुअल मनी से अगर मैं प्रॉफिट बना पाता तो प्रॉफिट हो जाता रियल मनी से भी, अगर वो लॉस हो जाता तो लॉस हो जाता, तो रियल मनी भी डूब जाता। तो पहले आपको वर्चुअल मनी में आना है। अब लाइव मार्केट में आएंगे तो पहले से जो आप बैक टेस्ट किए हैं, क्योंकि क्लोज मार्केट में कोई भी एनालाइज काफी अच्छे से कर लेता है, उसको बेनिफिट हो जाता है, लेकिन लोगों की धड़कन तो तब बढ़ती है जब लाइव मार्केट में उसको ये कैंडल देखने के लिए मिलता है। ये जो कैंडल है, जब उसको लाइव मार्केट में ये दिखेगा अप और डाउन, तो उसका धड़कन जो है काफी बढ़ जाता है। तो लाइव मार्केट में तो पहले आपको वर्चुअल मनी लाना है, उससे ट्रेड करना है, उसको आपको ग्रो करने के बारे में सोचना है, उसको ग्रोथ करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ हो, लेकिन उसको आपको ग्रोथ करना है। जब आपको लगे कि वह ग्रोथ हो जा रहा है, अगर वह पैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप अभी भी सीखे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं सीखे हैं। तो आपको उसका ट्रेड का फिर से जर्नल करना है, डेली बाय डेली करना ही है, और उसमें जो आपका मिस्टेक हुआ है, जो आप गलती कर चुके हैं, तो उसको नोट करके अब आपको वह गलती नहीं करना है। फिर आपको रियल मनी लेकर मार्केट में शिफ्ट होना है, रियल मनी लाना है और शिफ्ट होना है। तो आपको रियल मनी लाकर मार्केट में डायरेक्ट जो है प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये काफी लोग मिस्टेक करते हैं, लोग लर्निंग करते हैं और मार्केट में आते हैं, मार्केट में आते ही वह प्रॉफिट बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये काफी बड़ा मिस्टेक है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी करता था, लेकिन अब मैं इसको नहीं करता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको आपका जो कैपिटल है उसको सेव करने के बारे में सोचना है, सेव करने का प्रयास करना है। आपका जो मंथ है वह आपको ग्रीन में क्लोज करने का प्रयास करना है, भले प्रॉफिट जो है आपको ज्यादा नहीं हो। प्रॉफिट कहने का मैं बात हूँ, क्लोज करेंगे ग्रीन में तो प्रॉफिट तो अवश्य ही होगा, प्रॉफिट भले ही कम हो। कम कहने का मतलब है 10 के से मान लीजिए आप शुरू किए हैं तो आपका प्रॉफिट हो सकता है 500 रुपए ही हुए हैं, चार जोड़ काट कर आपको 500 रुपए ही बेनिफिट हुए हैं, तो भी ये आपके लिए काफी अच्छा रिटर्न है, तो भी आपके लिए क्या है, काफी अच्छा रिटर्न है। 10 से आप 500 जनरेट किए हैं, यानी कि 5% जो है एक मंथ में आप जनरेट कर पाए हैं, 5%। तो आपको एक ही दिन में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचना है, ये एक प्रोसेस है। तो आपको पहले आपको कैपिटल को सेव करने के बारे में सोचना है, जब कैपिटल सेव हो जाएगा और क्वांटिटी तो आपको इंक्रीज कभी भी नहीं करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करना ही नहीं है जब तक कैपिटल सेव नहीं हो जाता है। और साथ में आपको ये भी करना है, लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पैसे जब आ जाते हैं तो ये पैसे उसी में रखे रहते हैं, तो आपको करना क्या है, पैसे जो है कुछ पैसे जो है विड्रॉल भी करते रहना है, पैसे को क्या करना है, विड्रॉल भी करते रहना है थोड़े थोड़े पैसे। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन भी आएगा, आप मार्केट में जो पैसे लगाए हैं वॉलेट से जो कर रहे हैं उससे आप पैसे भी थोड़े थोड़े निकाल पाएंगे, तो ये बैकअप में काम देगा। और ये पैसे जो है डायरेक्ट जो है आप सेविंग अकाउंट में भी अपने रख सकते हैं, या फिर इस पैसे जो आप विड्रॉल कर रहे हैं उस पैसे से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भी यहाँ से आपका कंपाउंडिंग काम करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे आपको प्लान करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना यहाँ पर दिसंबर मंथ का जो PNL है उसका, तो सिंपल है, यहाँ पर मैं काइट में करता हूँ, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट में, तो यहाँ पर सेगमेंट में, किस सेगमेंट में, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं दिखाता हूँ। अगर इक्विटी में आप देखना चाहते हैं पूरे एक साल का, तो चलिए मैं एक साल का भी कर देता हूँ पूरे, जिस एक जनवरी से लेकर 30, और सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पर आपको इक्विटी सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। इक्विटी जो सेगमेंट है तो इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे 1 रुपये है, और यहाँ पे चार्जेज आप देख सकते हैं कितने रुपए लगे हैं,
और उसके बाद से नेट जो मुझे फाइनल जो है इसमें लॉस नहीं हुआ है, तो देख सकते इतना रुपए लॉस हुआ है। और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं ये होल्ड अमाउंट है। ये क्या अमाउंट है? ये सभी अमाउंट जो है अभी होल्ड है। तो होल्डिंग का देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग का पावर, इन्वेस्टिंग में देख सकते हैं कि अभी भी पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग में लॉस नहीं होता है, लॉस ना के बराबर होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेम इसको रहते हैं पूरे एक साल का दिख जाएगा। सिंपल ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में मैं कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया हूँ, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में नहीं है, अगस्त में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन ट्रेडिंग हुआ है जिसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब लॉस हुआ है तो आपको मार्केट में बने नहीं रहना है, आप जो कैपिटल लगाए हैं उसे सीधे विड्रॉल मारिए और फिर से लर्निंग पे आइए। आप क्या गलतियां किए हैं, अपने गलती को सीखने पे आइए। तो देखते हैं कि इस दिन कितना का लॉस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 214 रुपए का लॉस हुआ है इस दिन, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल नहीं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फाइनल जो है मेरे अकाउंट से पैसे वो कटे हैं 321 रुपए 43 पैसे कटे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए लॉस तो काफी कम हुआ है, लॉस जो है काफी कम हुआ है 214 रुपए, लेकिन चार्जेस इसमें देख सकते हैं ब्रोकरेज कितना लगा है। सिंपल ही आपको इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 80 रुपए ब्रोकरेज लगा है, यानी कि दो ट्रेड लिया गया है। कितना ट्रेड कर लिया गया है, दो ट्रेड कर लिया गया है। तो हाइएस्ट आपको दो ही ट्रेड करना है, इससे अधिक नहीं करना है। पॉली ट्रेड में यदि प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, ये मेरा है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त में मैं नहीं किया हूँ, ये सभी मैं लर्निंग कर रहा था, सीख रहा था, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फाइनली जो है दिसंबर में मैं यहाँ पर स्टार्ट किया। दिसंबर में भी स्टार्ट किया तो दिसंबर में देख सकते हैं किस डेट से मैं स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 दिसंबर से मैं शुरू किया हूँ। कब से शुरू किया हूँ, 19 दिसंबर से, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगस्त तक नहीं, इसको दिसंबर तक ही कर देता हूँ। अगस्त 2028 आ गया, ये क्या हो गया, 2023 इसको करते हैं, इसको नवंबर और दिसंबर यहाँ तक हो गया, इसको करते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक जो है यहाँ पर ये दिसंबर, यहाँ पे दिन जो देखेंगे 2, 2, 4, 6, यानी कि 8 दिन ही हुआ है, 8 दिन ही मैं इसमें ट्रेडिंग कर पाया हूँ, 8 दिन ही मैं दिसंबर मंथ में किया हूँ। तो इसमें देख सकते हैं जो ग्रीन है, ग्रीन जो है 8 ट्रेड में मेरा दो ट्रेड ही क्या हुआ है, लॉस में गया है। दो ट्रेड क्या हुआ है, लॉस में गया है। तो दो ट्रेड जो है लॉस में क्यों गया है, चलिए उसे भी हम बता। यहाँ पे दिन आप नोट करेंगे तो इस दिन जो होता है, ये जो दिन होता है वेनसडे होता है, यानी कि बुधवार होता है। तो मैं वर्चुअल मनी से भी किया था तो वेनसडे को मेरा काफी ज्यादा लॉस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेनसडे है तो यहाँ पे लॉस हो गया है, यहाँ पर भी लॉस हो गया है। तो वेनसडे के दिन मेरा खराब जाता है, तो मेरा यह प्रयास है कि वेनसडे को मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप कैपिटल की बात करेंगे तो मैं फंड जो इसमें ऐड किया था वह 10K ऐड किया था। और इसमें चलिए एक और मिस्टेक मैं बताता हूँ, फंड आप जितना ऐड करें आपको इतने फंड से नहीं करना है, इसका 50% ही या फिर 30% ही आपको यूज करना है, आपको टोटल कैपिटल यूज नहीं करना है। तो इतना फंड था तो इसमें मेरा यूज होता था 5 से लेकर 6,000 के बीच में यूज होता था, इसमें इतना ही यूज होता था। कल हाईएस्ट इसमें जो यूज हुआ है वह 8,000 तक भी पहुंच चुका है। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, मैं इसको भी कम करने का प्रयास करूंगा। टोटल का 50% करेंगे 5 से 6 तो बेहतर होगा। तो कैपिटल को पहले सेव करना है, मैं प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं। यहाँ पे जो मंथ है देख सकते हैं मैं ग्रीन में ही क्लोज किया हूँ, यहाँ पे टोटल देख सकते हैं यहाँ पर 2.42K, यानी कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ 2423 का यहाँ पे प्रॉफिट गेन हुआ है, जिसमें देख सकते हैं चार्ज जो लगे हैं टोटल चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो 1322 रुपये चार्ज लगे हैं। और फाइनल जो रिलीज हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं इतने पैसे जो हैं रिलीज हुए हैं, यानी कि 1100 रुपये जो है प्रॉफिट में है। यहाँ पे देख सकते हैं 1100 रुपये जो है प्रॉफिट में है। तो अगर जो है कैपिटल का परसेंटेज निकालेंगे, कैपिटल का मान लीजिए कि 10K से भी मान लीजिए किया जा रहा था तो 1100, यानी कि मोटा मोटी कर सकते हैं कि 11% का हुआ है। कितना का हुआ है, 11% का हुआ है। तो यहाँ पे जो डेट देखेंगे, डेट जो है 8 ही दिन है, यानी कि ट्रेडिंग जो सेशन होता है
वह 21 या फिर 22 दिन होता है मंथ में, तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसमें अगर इसको मैं टोटल मंथ किया अगर ऐसे ही जाता तो ये जो परसेंटेज आप 11 देख रहे हैं ये कितना हो जाता है, ये 22% हो जाता। कितना परसेंट हो जाता, 22% हो जाता, 22% हो जाता। तो यहाँ पे कैपिटल डबल करने में कितना लगता, मान लीजिए ये 20 होता तो 20 × 25 कितना होता है, 100, यानी कि 5 मंथ ही लगते कैपिटल को डबल करने में। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं 1644 का, ये सभी आपको है। तो आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, लर्निंग पे ध्यान देना है। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी बात बताए गए हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।